क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आ चुकी है सामने, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से कौन है वो सदस्य जिसको जनता के सबसे कम वोट्स मिले हैं, जिससे ये पता चलता है साफ कि जनता उनको शो में नहीं देखना चाहती है और इसी वजह से उनको ना के बराबर वोट्स आए। वेल, जब से इस बार यहाँ पर नॉमिनेशन में साजिद खान आए, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में उन्हीं को सबसे कम वोट्स आ रहे हैं और वो नंबर 7 की पोजिशन पर है। अगर इस बार एलिमिनेशन होता है फेयर तरीके से तो साजिद खान को घर से बेघर होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कितने नंबर की पोजीशन पर है। नंबर 7 पर साजिद खान है, नंबर 6 पर टीना दत्ता है, नंबर 5 पर शालिनी है, नंबर 4 पर सुम्बुल तौकीर खान है, नंबर 3 पर MC स्टेन है, नंबर 2 पर यहाँ पर शिव ठाकरे और नंबर 1 पर प्रियंका चहर चौधरी है। अब मैं आपको बताती हूँ जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। क्यों एलिमिनेशन नहीं होगा उसका भी आपको कारण बताती हूँ। प्रियंका चहर चौधरी जो कि शो में काफ़ी अच्छा गेम खेलती हुई नज़र आ रही हैं, साथ ही उनकी जो फैन फॉलोइंग है, लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी उनको किया जा रहा है। उनका जो जिस तरीके से वो अपना ओपिनियन रखती हैं, जिस तरीके से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर वीकेंड के वार की बात कर लें तो दो वीकेंड के वार से सलमान खान उनकी क्लास लगा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और इस बार जो TRP सामने आई है, काफ़ी बढ़िया TRP सामने आई है, 2.2 की TRP आई है संडे की, जब यहाँ पर प्रियंका की क्लास लगाई गई थी। तो ऑफकोर्स इनको वोट्स भी अच्छे आ रहे हैं, कंटेंट भी दे रही हैं, लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं, तो इनको तो निकाला नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पर हैं शिव ठाकरे। शिव ठाकरे भी काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे हैं अभी तक के, लोग जिस तरीके से शो को फॉलो कर रहे हैं, अगर दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट की कोई बात करेगा तो प्रियंका और शिव ठाकरे को ही बताएगा, क्योंकि ये दोनों टॉप 2 में नज़र आ रहे हैं गेम के हिसाब से, साथ ही फ़ैन फॉलोइंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। नंबर 3 पर MC स्टेन है, MC स्टेन की भी फ़ैन बेस काफ़ी अच्छी है, तो मेकर्स अभी तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि फ़ैन बेस खो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे MC स्टेन के जो फ़ैन हैं वो शो को देख रहे हैं MC स्टेन की वजह से। नंबर 4 पर सुम्बुल तौकीर खान का भी सेम प्रियंका की तरीके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोई कारण हो ना हो यहाँ पर क्लास लगाई जाती है। MC स्टेन शालिन की फाइट हुई थी, उस पॉइंट को छोटा सा मुद्दा बना दिया, बल्कि सुम्बुल का बड़ा मुद्दा बना दिया ताकि TRP अच्छी आए, और TRP काफ़ी अच्छी आई भी है, क्योंकि मेकर्स को अच्छे से पता है कि किसको टारगेट करना है, किसको टारगेट करने से TRP अच्छी आने वाली है। तो सुम्बुल नहीं जा सकती है क्योंकि जो दूसरे चैनल हैं उनकी व्यूअरशिप को वो अपने चैनल पर लेकर के आ रहे हैं, तो इसी वजह से सुम्बुल नहीं जा सकती है। काफ़ी सारे इमली के फैंस जो कि कहते हैं कि हम इमली देखते थे, हमने बिग बॉस नहीं देखा, सिर्फ सुम्बुल की वजह से बिग बॉस को देख रहे हैं। अब बात आती है शालिन और टीना की। शालिन टीना देखिए कंटेंट दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लव फेक ड्रामा चला रहे हैं, लेकिन चला रहे हैं, बिग बॉस को अच्छा लग रहा है, बिग बॉस खुद भी प्रमोट करे तो जाहिर सी बात है वो शो में शो से नहीं जाएंगे। अब आती है साजिद खान की बात। वोटों के हिसाब से साजिद खान को सबसे कम वोट्स मिले हैं, अब उनको जाना चाहिए, एलिमिनेशन उनका होना चाहिए, लेकिन बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि उनका एलिमिनेशन किया जाए। अगर इस जगह पर साजिद खान की जगह पर सौंदर्या शर्मा आती तो हाई चांसेस थे इस बार सौंदर्या शर्मा के जाने के, लेकिन साजिद खान यहाँ पर हैं तो वो एलिमिनेट नहीं होंगे, और इस बार हो सकता है कि कोई भी एलिमिनेशन ना रखा जाए, लेकिन अगर वोटों के हिसाब से अगर जाते हैं तो बिग बॉस, तो यहाँ पर साजिद खान का एलिमिनेट होना तय। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि इस बार कोई एलिमिनेशन होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो कौन घर से बेघर होगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।